by Dallas, make it hurt. हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं मोटोफिलो। फाइनली गाइस, जो है रेनो ने जो है काइगर को अनवील कर दिया है और बहुत सारे फीचर्स लेके आई है, बहुत सारे जो है अपग्रेड्स लेके आई है। व्हील साइज भी बहुत अच्छा है, 205 mm की ग्राउंड क्लीयरेंस मिलती है, 16 इंचेस के व्हील्स मिलते हैं। अगर आप इंटीरियर देखें तो बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, वायरलेस चार्जिंग, एयर प्यूरीफायर, 8 इंचेस का टच स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी, 7 इंचेस का जो इसमें स्क्रीन मिलता है, स्टेडी माउंटेड बटन्स, बहुत अच्छा जो स्पेस, 405 लीटर का बूट स्पेस। एक्सटीरियर में आप देखें तो आपको देखिए न्यू डिजाइंस मिलते हैं स्पॉइलर के, न्यू अलॉय डिजाइन मिलते हैं, डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं, रूफ व्हील्स जो है इसके वर्किंग है, चारों जो है हेडलैम्प, टेल लैम्प, फॉग लैम्प सब कुछ जो है आपको एलईडी मिलते हैं। तो इतने सारे फीचर्स के बाद भी क्या कमी रह जाती है? सो इस वही आज अपन बात करने हैं। तो जो है अनवील कर दिया, लॉन्च नहीं किया है, लेकिन इन लोगों ने जो है 3 चीज़ें मेंशन नहीं की है, प्राइसिंग मेंशन नहीं की है, वेरिएंट्स मेंशन नहीं किए, और इसमें इंजन ऑप्शन है कि नहीं मेंशन नहीं किया। देखिए, वेरिएंट्स और प्राइसिंग तो मिल जाएगी और एक्सपेक्टेड प्राइस भी पता है, क्योंकि ये एक सेम ड्राइवर के प्लेटफॉर्म पर मैग्नाइट आई थी, मैग्नाइट के प्लेटफॉर्म पर जो है काइगर आई है, तो तीनों के प्लेटफॉर्म सेम है। तो प्राइजेस आपको देखिए 10-20 हज़ार का फर्क करके मिल रहा है, लेकिन इसमें जो है नॉन टर्बो वेरिएंट जो है मेंशन नहीं किया है, ये है मेजर पॉइंट। सो अगर नॉन टर्बो वेरिएंट इसमें नहीं आता है तो क्या आप इसको कंसिडर करेंगे? क्योंकि नॉन टर्बो वेरिएंट अगर नहीं आता, सिर्फ टर्बो वेरिएंट आएगा तो आप प्राइसिंग समझ सकते हैं, 6-7 लाख लगभग पर स्टार्ट होगी और एंड करेगी 11 लाख तक। तो अगर इस प्राइस पे आ जाती है तो बहुत ही मेजर प्रोडक्ट्स को ये हिट कर देती है, जैसे कि फोर्ड इकोस्पोर्ट, जिसका प्राइस जो है ऑलमोस्ट जो है अगर आप वेरिएंट टू वेरिएंट कंपेयर करें तो लाख रुपए तक का जो है कम हो चुका है, और डीजल वेरिएंट बहुत सस्ते हो चुके हैं। तो आप देखेंगे वेरिएंट टू वेरिएंट बहुत ज़्यादा सस्ती हो चुकी है इकोस्पोर्ट, उसके बाद टाटा नेक्सॉन 5-स्टार रेटेड कार है, वेन्यू जो है कॉम्पैक्ट एसयूवी में बिल्कुल रूल कर दिए, सोनेट हो गई। तो बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं जो बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है। सो अगर ये नॉन टर्बो वेरिएंट नहीं आता है तो बहुत ही मेजर प्रोडक्ट्स को ये हिट करेगी। सो यही अब एक्सपेक्टेशन है, और अभी तक जितने लीक्स आए देखिए कहीं भी जो है नॉन टर्बो वेरिएंट का नहीं मेंशन किया है, सीवीटी का भी मेंशन किया, मतलब ये ऑप्शन आपको मिल सकता है। ड्राइविंग मोड्स इन्होंने ऑलरेडी दे दिए हैं, तो बिल्कुल एक क्लास लीडिंग है, और बहुत सारे फीचर्स आप काइगर में देखें तो बिल्कुल क्लास लीडिंग है, जैसे ड्राइविंग मोड्स और जो स्पेस ये बोल रहे हैं बिल्कुल क्लास लीडिंग है, हाइट बोल रहे हैं, सब कुछ जो है आपको क्लास रीडिंग मिलेगा। लेकिन सो जिस वेरिएंट के लिए देखिए काइगर और मैग्नाइट को लोग कंसिडर करेंगे तो वो है देखिए बेस वेरिएंट। तो बेस वेरिएंट इसका जितना सस्ता होगा, जितना कॉम्पिटेटिव प्राइस में आएगा, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा इंजन पे जो है डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ऑलरेडी देख सकते हैं निसान मैग्नाइट की कितनी बुकिंग हो चुकी है, और मैक्सिमम जो उसकी सेलिंग हो रही है वो बिल्कुल बेस मॉडल या बेस से ऊपर वाले मॉडल्स जो ही कंसिडर करे जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं जो इनका मेन मार्केट है वो यही प्राइस का है। तो अगर रेनो का काइगर का आप देखें नॉन टर्बो वेरिएंट नहीं आएगा तो इसकी प्राइसिंग कम नहीं होगी, और अगर कम होती तो देखिए वो पहले ही मेंशन कर देते। जैसे निसान मैग्नाइट लॉन्च करी थी, उसका मेन हाइलाइटिंग फीचर सब कुछ नहीं था, सबसे बड़ा मेन हाइलाइटिंग फीचर था, उनने कहा कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च एट 4.99। सो जैसे ही आप ये सुनते हैं तो उसके बाद आप शॉक्ड होते हैं कि यार कॉम्पैक्ट एसयूवी इस प्राइस में आने वाली है। तो वही है गाइस, अगर इसका नॉन टर्बो वेरिएंट नहीं आता है तो आई थिंक आपको काइगर कंसिडर नहीं करना चाहिए, और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आप कितने फीचर्स एड ऑन कर दें लेकिन जिस प्राइस में आएगी वहाँ पे बहुत मेजर प्रोडक्ट है, ऑलरेडी टेस्टेड है, और आप देख सकते हैं मैग्नाइट की डिलीवरी आप देख रहे हैं 3-4 महीने बढ़ते जा रही है, तो डिलीवरीज टाइम भी बहुत बढ़ेंगे, और इससे अच्छा फिर आप जो है बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। अगर ये 8-9 लाख तक भी हिट कर जाती है तो वहाँ पे जो है बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स और मार्केट में मिल जाते हैं। सो बस ये वीडियो था गाइस, मैं आपको बताना चाह रहा था अगर आप काइगर कंसिडर कर रहे हैं तो बेस वेरिएंट का आने दीजिए, या आपको नॉन टर्बो वेरिएंट को आने दीजिए, तभी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप टॉप वेरिएंट का सोच रहे हैं तो आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शन है। सो अभी तक के लिए इतना, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।